अपने गुरु शिव को मैं श्रद्धा समान करते हुए तमाम गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम हो। साल से शिव को गुरु अपना बनाने का प्रयास कर रही हूँ। अनुभूति का तो बोछार लग गया, ऐसा लगता है कि जब कपड़े की दुकान में बैठिएगा बहुत सारे निकाल देंगे, लगेगा कि कौन ले कौन नहीं। सेम उसी प्रकार अभी ये प्रश्न जो मेरे साथ आया है, लग रहा है कि भाई बहन को कौन सुना। चलिए, हमने माँ गायत्री का सेवा करते थे और पर्व त्योहार बहुत सारे बहुत कुछ करते थे जितनी संसार में होती है, पर कान तक सूचना आई को ही महाकाल जगत गुरु हैं, उनको अपना बनाया जाए। और जैसे ही ये सूचना आई मेरा उदाहरण मन हो गया समझाने के लिए। मेरे मामा जी पप्पू के मामा जी पप्पू को समझा रहे थे, पर समझ मुझे आ गई। मैं ढूंढना उनको शुरू किया, आप ढूंढ करके ही रहे। पहला ही प्रश्न था मेरा, ये तो शिव पूजा में कभी करते हैं, शिव सबों का है, जान ही रहे हैं, पूजा कर ही रहे हैं, ये गुरु की आवश्यकता कैसी, कौन कहा आपको भी शिव को गुरु बनाइए, आप उनको अनुभव कहाँ से आई। ये उद्वेग हमको बहुत परेशान करने लगा। आप उनको ही कहे कि जिन्होंने हम आपको बताए कि शिव मेरे हैं, आपके लिए हो सकते हैं, उनसे हमको मिलाइए। और प्रथम बार उस समय दीदी पटना में रहती थी, साहब भी थे, उनको लेकर के मैं पटना चली गई। वहां जाने के बाद कुछ न कुछ अनुभव एहसास होने लगा कि नहीं, सही रास्ता मुझे मिलेगा। और करना शुरू किए, कुछ दिन तक तो वो गायत्री का भी सेवा किया और शिव गुरु को भी खेल कूद में करते थे। पर 3 वर्ष के बाद एकाएक मुझे ऐसा एहसास आई, साहब के यहाँ जाते आते मन पर प्रभाव पड़ा, इनसे बड़ा कुछ है ही नहीं। और धीरे धीरे वो तो जब शुरुआत के कहानी से शुरू करेंगे तो 3 दिन तक का दे रह जाएंगे, इसलिए शॉर्टकट भागना है। हम आप धीरे धीरे जब समझना शुरू किए, लगने लगा कि वास्तविक में संसार में कुछ नहीं है, सारे देवी देवताओं इनसे ही अंश लेकर के पूजित हैं। ऐसा हम नहीं कहना चाहूंगी कि देवता को देने वाले हैं ये देवता हैं, पर लेने का हमको आपको ज्ञान नहीं है, बिल्कुल बेकार। अब तक हम आप जो जीवन बिताए तो लग रहा है कि इससे भी पहले समय मिलता शिव को अपना गुरु बना करके और कुछ पाते। इतनी समर्थवान बना देते हैं, इतनी शक्ति भर देते हैं, आज हमारे साहब को देखने में लगते हैं कि मेरे भाई के तरह हैं, मेरे पति के तरह हैं, लेकिन उनको पारम की संपूर्ण शक्ति संपूर्ण समाज उनमें समाया। आज जो साहब करते हैं वो शिव करते हैं, जो शिव करते हैं वो साहब करते हैं। ऐसा ही अनुभव एहसास बहुत तरीकों से आप लोगों को भी मिलेगा, हमको भी मिला। मैं छोटी सी एक अनुभूति कहूँ, मेरे पति बीमार पड़ गए थे, हार्ट अटैक हो गए थे और पटना ले गए, वहाँ बिल्कुल सारे डॉक्टर ने कहा घर ले जाइए और मिट्टी के तरह पूजा कीजिए, जैसे मिट्टी का पूजा करते हैं, देवता का पूजा करते हैं, अगरबत्ती जला के पूजा कीजिए। लेकिन मेरे अंदर के शिव कहते थे कि बेटा तूफान आई है, रुक जा, ये शक्ति कहाँ से आएगी भर, शिव को ही गुरु अपना बनाने का प्रयास कीजिएगा, आदेश पर चलने का प्रयास कीजिएगा, तो आपको भी धीरे धीरे वो मन को मजबूत कर देंगे और मनोबल बढ़ाते चले जाएंगे, शक्ति प्राप्त होते चली जाएगी। वहां से भागलपुर लाई, भागलपुर में भी वही डॉक्टर कहा, लेकिन मेरा मन एक विश्वास की ओर टिका हुआ रहा। सारे लोग मेरे बेटे पुतोह सब कोई रोने लगा, लेकिन मेरा आंख से आंसू कभी ना आया। और वहां से भेलाव लेके चली गई, 3 सप्ताह तक उनको नहीं भर्ती किया, वो बैठक हुई और वहां से कैंसिल कर देते थे। उन्हीं महादेव की एक बार वचन बोले कि हे सरकार, मेरी यदि कहीं गलती हुई होगी माफ
तक नहीं होगा तो माफ कर दीजिए, जब ये माफ करने योग्य नहीं होगी तो ले जाइए मेरे पति की पति को, आपकी संपत्ति है, आपने जितना सा दिया खूब सुख भोग करिए। लेकिन इस तरीके से रखिएगा तो हम भी फंसे हुए रहेंगे और मेरे पति भी दर्द से